अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी होस्ट महनूर। तो जी फ्रेंड, आज जो है ना मेरी तरफ से 24वां रमज़ान आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आज हम बनाने लगे हैं इफ्तारी। कितने दिन से जो है ना मैंने वीडियो नहीं मतलब शूट की इफ्तारी सहरी की, क्योंकि मैंने अभी थोड़े दिन ना रोज़े नहीं रखे, तबीयत नहीं थी ठीक। तो ये नजम आज गए ना, नजम को छुट्टी है। तो अब जो है ना हम इफ्तारी की तैयारी करने लगे हैं। सबसे पहले ये कि चैनल पे न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला न्यू व्लॉग रेसिपीज आप तक आसानी पहुंच सके। और ये देखें इसको आइकन को। अब हम जाते हैं किचन में। आज क्या क्या बनाना है? आज बनाएंगे स्प्रिंग रोल, समोसे और पकौड़े। समोसे पकौड़े, बैंगन वाले पकौड़े, देखते हैं क्या बनाते हैं। स्टार्ट तो ये कह रही रोल भी बना रहे हैं। तो अब हम चलते हैं किचन में, फिर दिखाते हैं आपको। तो जी फ्रेंड, अब जो है ना हम बनाने लगे हैं, अब हम बनाने लगे हैं रोल का सामान। नजम जो है कटिंग शुरू कर दी। सही है ना छुरी? हाँ, ये छुरी सही है, तेज है। इसको काटना बारीक बारीक कटिंग करेंगे ताकि जो है ना हम इसको वेजिटेबल को हल्का सा सोते करना, अगर वेजिटेबल कच्ची रह जाती है ठीक है। मोटी नहीं करनी, मोटी नहीं करनी, बारीक बारीक करनी है। देख ये देखिए, इसको भी बारीक करेंगे अभी। हाँ, इसकी भी अभी कटिंग करेंगे मजीद। साथ हमने ले ली है बंद गोभी और साथ आलू प्याज। हमने बहुत ज़्यादा नहीं बनाना, सिर्फ हमने थोड़ा सा बनाना है, क्योंकि सामान जो है ना फिर हमारा वेस्ट हो जाता है, ख़राब हो जाती हैं चीज़ें हमारी पूरी, क्योंकि इतना खाया नहीं जाता रोज़े के बाद। तो वैसे भी हम जो है ना कोशिश करते हैं कि इफ्तारी के बाद खाना चाय, क्योंकि फिर टाइम नहीं लगता, खाना खाया नहीं जाता, भूख लग जाती है, तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए सब चीज़ों को मैनेज रख के हमने अपनी रूटीन बनाई हुई है कि इफ्तारी में जो है ना हमने हल्की फुल्की चीज़ें बनानी है। चीज़ें ठीक है, रहने दो। अब हम इसका साइज और छोटा कर रहे हैं। ये देखें, तो जी फ्रेंड अब जो है ना हम इसकी ले भी तैयार करने लगे हैं, जो रोल बंद करने हैं ठीक है। हमने ले लिया है, क्या है ये? मैदा, एक चम्मच, एक चम्मच। अब इसको के साथ फिर दिखाते हैं आपको। तो जी फ्रेंड, अब हम काटने लगे हैं बंद गोभी। जी फ्रेंड, अब जो है ना हमारी बंद गोभी जो है काट चुकी है, थोड़ी सी बस रह गई है। ये देखें। तो जी फ्रेंड, अब जो है ना प्याज की बारी आ गई है। नजम का देखें, नजम को आज लग रहा है रोजा के बुखार हुआ है, बुखार। आज नजम को छुट्टी है, आज नजम रेस्ट करेंगे। देखते हैं रेस्ट करते हैं क्या। तू नहीं करने दे, मुझे पता है। अभी नजम ने बाजार लेके जाना है, क्योंकि आपको पता है कि ईद करीब है, तो नजम को फिर छुट्टी नहीं होनी। ईद पे भी छुट्टी नहीं है आपको? ओहो यार, ईद पे भी छुट्टी थी नजम को? ईद पे भी छुट्टी है, कैसा शेफ है मेरा बंदा। ये देखें, लो जी नजम को नींद आई हुई है, थके हुए हैं, थकावट हुई है। अब हम निकालने लगे हैं प्याज, ठीक है। तो जी फिर अब हम काटने लगे हैं आलू। टाइम अभी जो है काफ़ी है, टाइम 5:30 का टाइम हुआ है, 12:21 हो गए हैं, 5:21 हो गए हैं, 12:21। अब हम आलू कटिंग कर रहे हैं। इतने मोटे आलू क्यों? ये आलू उसमें पकौड़ों के लिए। अच्छा, थोड़े बारीक नहीं करने? ये देखें,
जैसे आलू करते हैं फिर दिखाते हैं। डिपिंग बोर्ड चल रहा है सर। अब हमारे आलू कटिंग हो रहे हैं ब्रीक ब्रीक। ये हमारे ना यहाँ पे जगह थोड़ी कम है, इस वजह से कटिंग बोर्ड जो है ना ऊपर नीचे हो रहा है, हिल रहा है जी। ठीक है इंशाल्लाह। अब बैंगन काटने लगे हैं, बाकी ये देखें बंद गोभी और गाजर काट ली है, और बाकी सामान कहाँ पे वो भी मैंने रख लिया कटिंग करके, वो भी मैंने कटिंग कर दिया। अब बैंगन काटते हैं फिर दिखाते हैं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम कर रहे हैं हमारा प्याज, ठीक है। प्याज को हल्का सा जो है ना हम सोते करेंगे कि थोड़ा नरम हो जाए। और नमक, मिर्च और इसके बाद थोड़ा सा कलर देने के लिए चाट मसाला। बस रहन थोड़ा ही रहेंगे, बस लगा बस मसाले थोड़े नहीं सब रहते सब्जी थोड़ी सा है। अच्छा इसके बाद जो है ना ये प्याज के फौरन बाद हमें डालनी है गाजर, क्योंकि अगर हम डाल देंगे ना इसमें बंद गोभी तो बंद गोभी को जो है ना जल्दी हो जाती है, नरम हो जाती है, कुक जल्दी पानी हो जाती है। डालना डाल दिए बंद। अब हम डाल दिए बंद गोभी। अभी डाल देंगे तो गोभी जो है ना अपना पानी छोड़ देगी। अब इसको थोड़ा सा जो है ना हम पकने देंगे। ठीक है हमने इसमें ओहो ज़्यादा नहीं डाल देंगे, ज़्यादा गर्म मसाले थोड़े ज़्यादा नहीं डालने, गलाना खराब हो गया। फिर हमारे तकरीबन इससे 25-30 रोल बन सकते हैं। अब हम लगे पकौड़ों का सामान भी नजम तैयार कर रहे हैं। बेसन इसमें थोड़ा ऐड करेंगे, ये देखें अब हमने ऐड कर दिया है बेसन। बेसन इसमें हमने ये ज़्यादा नहीं ऐड किया, बस इतना डाल दें, क्योंकि ज़्यादा डाल देते हैं ना बेसन फिर वो बेसन कच्चा रह जाता है। अब ये पकौड़े हैं सब्जी वाले, वेजिटेबल पकौड़े हैं हमारे पास, इसलिए ये देखिए हमारी वेजिटेबल नूड। जी फ्रेंड आप जो है ना हम रोल बनाने लगे हैं। बिस्मिल्लाह बंद कर दो, बंद नहीं करना था नॉर्मल टेम्परेचर पर। अब हम जैसे बनाते हैं फिर दिखाते हैं। तो जी फ्रेंड हमारे जो 4 से 5 रोल हैं वो बन चुके हैं, ये देखें, और बाकी नजम बना रहे हैं ये देखें। तो जी फ्रेंड अब हम बनाने लगे हैं पानी या मिश्री डाल के। अब हम इसको करेंगे, इसमें हमने जो चीनी है ना वो अच्छी तरह से मेल्ट कर ली है, साथ पुदीना डाला है,
साथ हम डालेंगे नींबू। हम बना रहे हैं मिंट मार्गरेटा पानी, जो होता है ना नींबू पानी। नींबू। अब हम इसके अंदर डालते हैं लेमन नींबू का जूस। आयका रोजे कितने रखे हैं? दो। दो तीन। किधर रखे? किधर? इधर। अंदर 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 रखे रोजे। अब हम इसके अंदर डालते हैं लेमन जूस। अब हम इसके अंदर लेमन का जो रस है वो निचोड़ रहे हैं। अब हम इसको रख देंगे ऊपर फ्रीजर में थोड़ी देर के लिए, ठंडा हो जाएगा जरा। रहा देते हैं। अब हम इसको हिलाते हैं। लेमन हमने निचोड़ लिए, आधा सा लेमन रह गया हमारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारा तेल जो है वो गर्म हो गया, इसमें हम फ्राई करने लगे हैं। रोल फ्राई करते हैं। इसकी साइड चेंज करते हैं क्योंकि जो हमारा ऑयल है ना वो अच्छी तरह से मतलब गर्म हो गया। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी अब ये देखें, जैसे कि हमने शुरू से लेके बनाया, सब्जी काटी, मसाले लगाए, सारा कुछ आपके साथ पूरी पूरी रेसिपी शेयर कर रहे हैं। आप लोगों से भी यही है कि आप लोग अपने घर में बनाएं। पहले भी मैंने वीडियो ना डाली है यूट्यूब पे क्रिस्पी रोल की, वो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, मैं वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूँगी। क्या है नहीं कटने? हमारे रोल जो हैं हो चुके हैं, ज़्यादा ब्राउन नहीं करने? नहीं ज़्यादा ब्राउन, जल जाते हैं ना ये ब्राउन की। देखो हो गए, इसको अच्छी तरह तेल जी। फिर हमारे रोल बन चुके हैं। कितने रोल हो गए? सेवन रोल। नेक्स्ट हम बना रहे हैं सारे ही रोल, क्योंकि हमने ऊपर भी भेजने हैं आंटी को, बच्चों को। तो हमारा ऑयल भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, अच्छी तरह से गर्म हो गया। देखिए जल्दी जल्दी से इनको हिलाते जाएंगे। आज शुरू करो। हाँ चल ठीक है। दम बनाने लगे हैं पकौड़े। अब हम कर रहे हैं फ्राई पकौड़े। अब बना रहे हैं पकौड़े। तो ये देखिए खजूरे बनाए के अपनी ठीक हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहुंच गया। तो जी फिर अब जो है ना हमारे पकोड़े, ये एक जो है ना निकल आया, इसमें रख दे साइड पे। हमारी स्पाइस जो है ना थोड़ी कम हो गई थी, अब हम उसके मुताबिक ऐड कर रहे हैं। ये देखिए जी फिर अब जो है ना हम डाल रहे हैं बैंगन के पकोड़े। नहीं नहीं सब बैंगन का भी निकाल रहे हैं।
डालो आप। जी फिर अब हम साइड से इनको ले लेंगे। हमारे पकौड़े हैं जो पक के तैयार होने वाले हो गए, कच्चे हैं। ये बच्चों ने कैसे तंग किया होगा। अब हमारे जो है ना पकौड़े हो चुके हैं, ये देखें ऑयल फुल बटा फुल गरम। सोने वाले तरीके ना बैठ के बनाते हैं। अब हम बना रहे हैं बैंगन के पकौड़े। यार इतने ज्यादा नहीं पकौड़े बनाने, ये देखें ना जब इतने बना दिए हैं। जी तो जी फिर अब जो हमारे बैंगन के पकौड़े भी निकल आए हैं, तो जी फिर अब फिर हम जो है इतने पकौड़े खड़ने हैं सारे बिठा देते हैं। ये देखे ना जब ने मेरा जो खाली कर दिया। तो जी फिर अब जो है ना हमारा रोजा इफ्तार हो चुका है। ये देखें अब हम रोजा खोल लें। तो जी फ्रेंड हमने रोजा इफ्तार कर लिया। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह आज का रोजा भी पूरा हो गया। अब इंशाल्लाह सुबह सहरी में 2500 रोजा रखेंगे और आपके साथ सहरी का व्लॉग शेयर करेंगे। अल्लाह ताला सबको तौफीक दे रोजा रखने की। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।